नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GDS का सबसे भरोसेमंद YouTube चैनल GDS ओरिजिनल। GDS से जुड़े सभी लेटेस्ट खबर पाने के लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज है GDS ओरिजिनल, आप उसे जरूर लाइक कीजिए। वहाँ पर आपकी जो डाउट है वो ज़रूर पूछिए। दोस्तों, आप लोगों का जो एरिया है वो जुलाई में ही आ जाना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में ईजी तरीके से कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि कैसे आप अपने खुद का एरिया कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, पहले हम एक TRCS स्लैब लेंगे जो MC के लिए है, जिसका वर्कलोड 3 आवर्स है। तो अगर उसका बेसिक पे 2295 रुपया हुआ तो उसका जब 125% DA मिलेगा तो होगा 2869 रुपये। अब आपका TRCA और DA कुल मिला के होता है 5166 रुपया। कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट लागू होने के बाद आपका बेसिक पे को 2.57 मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो आपका न्यू बेसिक पे होगा 5869 रुपया। अब आपका TRCA और DM कुल मिला के होता है 7500 रुपया। अगर हम पहले वाला TRCA और DA देखेंगे तो आपका था 5166 रुपया, यानी कि डिफरेंस है 2336 रुपया। आपको 30 महीने से नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और इसका टोटल होता है 70,080 रुपया, यानी कि आपको करीबन 70,080 रुपया मिलेगा। अब हम आपको और एक कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। सपोज जो BPM 5 घंटे के लिए काम करता है उसका बेसिक पे 4,575 रुपया है। अब उसका 125% DA मिला के होता है 5,719 रुपया और TRCA और DA मिला के टोटल होता है 10,294 रुपया। अब 7th Pay Commission के बाद इसके जो बेसिक पे है इसे 2.57 मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका नया बेसिक पे होगा 11,758 रुपया और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग TRCA फॉर कैलकुलेशन एरिया है 14,500 रुपया। जो पहले वाला TRCA और DA मिलाकर हुआ था 10,294 रुपया, बाद में हुआ 14,500 रुपया, यानी कि डिफरेंस है 4,206 रुपया। आपको 30 महीने से नहीं मिला, तो अगर हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 1,26,180 रुपया। तो आपको जो एरियर मिलेगा वो है 1,26,180 रुपया। ऐसे ही आप बाकी सब जो एरियर है वो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो हम आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं वहाँ पर जो 2 नंबर कलम है वहाँ पर आपका बेसिक पे लिखा हुआ है, जो 3 नंबर कलम है वहाँ पर आपका DA लिखा हुआ है, जो 4 नंबर का कलम है वहाँ पर आपका टोटल TRCA और DA मिलाकर लिखा हुआ है, जो आपको 1116 में मिलता था। अब आपका नया बेसिक पे 5 नंबर कलम पे है और आपका TRCA और DA मिलाकर जो टोटल है वो आपका 6 नंबर कलम पे लिखा हुआ है। 7 नंबर कलम पे 4 नंबर कलम और 6 नंबर कलम का डिफरेंस दिया गया है। अब आपका जो एरियर है वो महीने में मिलेगा जो 7 नंबर कलम पे है। अब अगर आप इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो टोटल एरियर है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आप सभी खुद का एरियर खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।